हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे, और ये वीडियो उसी कंटिन्यूशन में जहां पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक को स्टार्ट किया था, जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। इस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 बना दिया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेनन को मैंने डिस्कस किया है। उसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और फिर आज के इस वीडियो के ऊपर आप देखिए। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा वीडियो नंबर 2 में, आज का वीडियो है, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँ। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम फिजिक्स पे डिपेंड करता है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है बेसिकली, ये इस मॉडल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लोकेशन इन ए गिवन ऑर्बिटल। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना इन ए गिवन ऑर्बिटल, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देख चुके हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना इलेक्ट्रॉन का इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन कहाँ उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन का, कहाँ पर चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट रह सकता है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्टन रूल फॉलो करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो सबसे पहले किन्होंने दिया था, सार्कोडिंजर ने 1926 में सर्टेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी साई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी साई स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाई प्लस डिफरेंशियल ऑफ साई स्क्वायर बाई डी जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन दिया है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो सार्कोडिंजर ने दिया था, और सार्कोडिंजर के इस इक्वेशन को फॉलो करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, एक्सिस है, या एक्स एक्सिस में हो सकता है, या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, को हम लोग तीनों कंसिडर करते हैं। एच इज ए प्लैंक कॉन्स्टेंट, एम इज ए मास, पाई इज ए 3.14, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ई इज ए एनर्जी, पी इज ए पोटेंशियल एनर्जी, वॉट इज साई। नाउ साई इज द एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस साई वैल्यू कैन बी नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो और पॉजिटिव वैल्यू ऑल्सो, एंड दिस इज शोइंग द प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो दैट कैन बी नेगेटिव और दैट कैन बी पॉजिटिव, बट प्रोबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबिलिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए इस साई को हम लोग साई स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्मॉल स्पेस, एक छोटा सा स्पेस जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, तो अब यहाँ पर सर्टेन हम लोग टर्म्स को समझेंगे, और एन एल एन एम ये तीन क्वांटम नंबर हैं। इस क्वांटम नंबर को, टर्म को हम लोग अगर फाइंड आउट कर लिए, तो हम लोग मैक्सिमम सक्सेसफुल होंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम लोग को मालूम चल जाएगा लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला आ रहे हैं एन के बारे में, एन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी, ठीक है।
इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सजेस्ट द डिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है। अगर हम लोग, क्योंकि मालूम है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है आर, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एन के थ्रू फाइंड आउट होता है। तो एन का नंबर जितना ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड डिस्टेंटली, उतना वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है। एन का नंबर मोर, तब इस इलेक्ट्रॉन के पास में इलेक्ट्रॉन इज हैविंग मोर एनर्जी और इसका साइज भी बड़ा। और यहाँ पर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बेसिकली बात करते हैं कि यहाँ पर इस क्लाउड के अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो ये क्लाउड के बारे में बात। आर विच इज रेडियस डिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर विच इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर विच इज एटॉमिक नंबर। एन कैन ऑल्सो शोज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन पार्टिकुलर ऑर्बिट, ये किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में है या फिर शेल में है, किसी पार्टिकुलर शेल में। जैसे एक न्यूक्लियस है, यहाँ सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस वाले में रोटेट कर रहा हो, ये एक शेल हो गया, या हो सकता है ये इस वाले में हो तो ये अनदर शेल हो गया, इसी तरीके से ये एक और मैंने बना दिया, ये अनदर शेल हो गया, तो वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री, कभी भी जीरो नहीं होगा, स्टार्टिंग विथ वन टू थ्री फोर फाइव। और इसको हम लोग फर्स्ट वाले को के कहेंगे, इसको एल कहेंगे, इसको एम कहेंगे, इसको एन कहेंगे और इसको ओ कहेंगे, इसी तरीके से अगर सिक्स सेवन है तो इसको पी एंड क्यू, और वन वाला सबसे क्लोज होगा न्यूक्लियस और सेवन वाला सबसे डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम न्यूक्लियस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन एनी पार्टिकुलर शेल, इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है 2^n². जैसे अगर मैं के शेल की बात करूं तो n का नंबर यहाँ क्या होगा, 1, ये देख रहे हैं आप 1 है, तो यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, इसका नंबर होगा 2^1² मीन्स 2, यानी के शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल में एल का नंबर कितना है, 2, एन का नंबर यहाँ पे कितना होगा, 2, इसको हम लोग एल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2^2 इस वैल्यू पर पुट कर देंगे एन का नंबर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। इसी तरीके से एम में कितना होगा, एन का नंबर यहाँ 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2^2 यानी 8^16, ये 16 होगा। होप सो ये क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एन खत्म, पहला हम लोगों को मालूम चला कि ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में या ऑर्बिट में रह सकता है। अब आ रहे हैं सेकेंड कॉन्स्टेंट या सेकेंड क्वांटम नंबर क्या होगा, वो है एम। एम क्या है, सॉरी एजिमुथल, एल, सेकेंड इज एल, व्हाट इज एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इस एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल ऑफ गिवन शेल और ऑर्ब, यानी लोकेशन इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाले एन से पता चल गया कि ये किस शेल में है, लेकिन अब वो सेल के अंदर भी सब सेल है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए, तो वो किस सब सेल में है, तो वो कैसे पता चलेगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर से। और एजिमुथल क्वांटम नंबर एल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर एन की वैल्यू 1 है, टोटल नंबर ऑफ
एल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो एंड एन माइनस वन, ये होगा। एक जीरो तो होगा ही और दूसरा वैल्यू क्या होगा, एन माइनस वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर के शेल या ऑर्बिट, हाउ मैनी एल इज पॉसिबल, तो यहाँ पे कितना एल होगा, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू वन है क्योंकि एन का नंबर यहाँ वन होता है, इसका मतलब एन का नंबर वन है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू एक तो जीरो होगा और दूसरा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन मतलब वन माइनस वन, दिस वैल्यू विल बी जीरो, यानी इसका सिर्फ एक ही वैल्यू होगा जीरो, सिंगल वैल्यू। और इस ए जीरो को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस इज नथिंग बट इट इज ए स्टार्टिंग सबसेल। अब आते हैं एन की नंबर टू ले लें, के बाद में क्या आ रहा है, एल, और या फिर इसके बाद में एन का नंबर हम लोग टू ले लेते हैं, तो एन का नंबर टू होगा तो एल, तो ये एल को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, ये एल को हम लोग अब एक तो जीरो और दूसरा एन माइनस वन, तो जीरो और एन माइनस वन का मतलब क्या हो गया, टू माइनस वन, यानी ये वैल्यू वन हो गया, यानी इसकी दो वैल्यू होगी, एक जीरो होगा और दूसरा होगा वन। तो एन इज इक्वल टू टू के लिए वैल्यू होगा जीरो एंड वन। जीरो को ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है कि इसको हम लोग एस सब सेल कहेंगे, तो वन को क्या कहेंगे हम लोग, पी सब सेल। ठीक है, अब आते हैं क्वांटम प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, यहाँ पर एन का नंबर क्या होगा, थ्री, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो और एन माइनस वन, तो यानी जीरो और उसके बाद एन माइनस वन यानी थ्री माइनस वन, इसकी वैल्यू टू, यानी यहाँ पर के पास होगा जीरो वन एंड टू। क्लियर है, जीरो तो रहेगा ही, इसके अलावा टू रहेगा, तो टू कितना होगा, एक वन होगा और एक दूसरा वाला टू होगा, यानी इसके लिए हम लोग एस कह रहे हैं, इस वाले के लिए पी कह रहे हैं। अब इस वाले टू के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पर डी, डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर के एल एम एन हो गया, एन की वैल्यू क्या होगी, फोर, यानी एन इज इक्वल टू फोर, तो एल का वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब उसके बाद में यहाँ पर एन माइनस वन, यानी जीरो और उसके बाद में एन माइनस फोर माइनस वन, इसका मतलब थ्री, इसकी वैल्यू थ्री, यानी एक फाइनल वैल्यू होगा जीरो, उसके बाद होगा वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, ये तीन, ये जीरो तो रहेगा, बाई डिफॉल्ट जीरो रहेगा सभी जगह। तो अब यहाँ पर एस है, उसके बाद पी, इसके बाद में यहाँ पर टू के लिए डी था और उसके बाद में ये एफ, बस इतना ही समझना है। इसके लिए जीरो वैल्यू, इसके लिए वन वैल्यू, इसके लिए टू वैल्यू और इसके लिए थ्री वैल्यू, किसका, एल का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, तो थर्ड क्वांटम नंबर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इट सजेस्ट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन ए स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एम की वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ एल, एल के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑल द वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग एल जीरो, एल टू जीरो टू माइनस एल, इसके तीन वैल्यू हो सकते हैं। अगर m का टोटल नंबर कितना होगा डिपेंड करता है l पर, और l के वैल्यू पॉजिटिव से लेकर जीरो तक जाना है और माइनस l तक होगा, जितना भी नंबर होंगे वो टोटल नंबर ऑफ m होगा। सपोज अब एग्जांपल लेते हैं कैसे, जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा कि l का नंबर क्या क्या हो सकता है, ये देख सकते हैं, जीरो, ये l का नंबर शो कर रहा है, ये जीरो वन टू थ्री। तो अगर मैं s ब्लॉक के लिए लिखूं या ऑर्बिटल, l का नंबर क्या है, जीरो, तो m का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ जीरो, कोई चेंज नहीं क्योंकि जीरो एक ही नंबर, तो ये बीच वाला सिर्फ आएगा, तो इसके लिए एक ही होगा, यानी इसका नंबर, m का नंबर क्या होगा, सिंगल, इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, सिंगल ऑर्बिटल जीरो। अब यहाँ पर आते हैं फोर p, p के लिए l का नंबर क्या है, वन, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू प्लस वन, उसके बाद जीरो और माइनस वन,
यानी प्लस से ये माइनस तक जाना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, थ्री। यहाँ पर तीन होगा, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन। यानी p में तीन सब ऑर्बिटल, p सब सेल में तीन ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। यानी p सब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, थ्री ऑर्बिटल। अब इसी तरीके से हम लोग d के लिए देखते हैं, तो d का नंबर कितना, टू। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, l का नंबर टू है, तो m का नंबर कितना होगा, प्लस टू माइनस, सॉरी प्लस वन, उसके बाद जीरो, उसके बाद माइनस वन, माइनस टू। ये प्लस से माइनस वैल्यू तक जाएगा तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर फाइव और ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे इसमें, डिश सबसेल में। एंड फॉर एफ सबसेल, एल का नंबर तीन है, तो यहाँ पर जब तीन है तो ये कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यानी एक दो तीन चार पाँच छ सात, टोटल सात ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ठीक है, अब आ रहे हैं फोर्थ, और द फोर्थ यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में काउंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं सेपरेटली। स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ शेल इज प्रेजेंट आइदर इन थ्री फॉर्म, ये थ्री फॉर्म में रहेंगे। पहला पैरेलल अपराइट ओरिएंटेशन, या फिर पैरेलल स्पिनिंग विथ डाउनराइट ओरिएंटेशन, या फिर एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। यही तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रहेंगे। सपोज ये शेल है एक बॉक्स, इसमें कोई भी बॉक्स में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर सिंगल भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये दो इलेक्ट्रॉन हैं तो या तो इनका ओरिएंटेशन दोनों अपराइट हो सकता है, ये पैरेलल और अपराइट है, तो ये पहला वाला कंडीशन हो गया। दूसरा वाला कंडीशन में हो सकता है पैरेलल विद डाउनवर्ड डायरेक्शन, और स्पिन इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। और तीसरा हो सकता है कि ये एंटी पैरेलल में हो, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ स्पिनिंग इनका। और ये वाला जो रहता है इट इज़ ए मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर की तरफ है वो डाउनवर्ड वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये क्या रहते हैं, ये स्टेबल रहते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ हाउ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन ऑर्बिटल, ये समझते हैं। तो अभी तो हम लोग ने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट ये में रहेंगे, और ऑर्बिट के अंदर में वे सब ऑर्बिट में रहेंगे, और उसके अंदर भी ऑर्बिटल का वहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये कैसे अरेंज रहते हैं उस ऑर्बिटल में, इसको समझने के लिए हम लोगों को सर्टेन प्रिंसिपल को देखना होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बाउंड प्रिंसिपल, जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसको दिया था, उनका नाम था अफबाउ, उसी के ऊपर नीचे पड़ गया। तो अफबाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी सही है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे एन की नंबर वन हो गई, टू होगी, थ्री होगी, फोर होगी, तो पहले वन में फील होगा, फिर टू में होगा, फिर थ्री में होगा, फिर फोर में होगा, तो इसका मतलब है एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो पहले सबसे लो एनर्जी वाले में फील होगा और उसके बाद सबसे हाई एनर्जी में। तो इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, इसको अल्टीमेटली इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट फील्ड इन लो एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझते हैं कि अगर यहाँ पर वन, अच्छा इस तरीके से 1s2, तो यहाँ पर ये 1 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s क्या शो कर रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये वाला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एंड विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग ने फॉर्मूला देखा था 2 टू द पावर
एन का होल स्क्वायर, तो एन की वैल्यू 1 है, तो यानी यहाँ पर 2 इंटू 1 टू द पावर 2 यानी 2 फील्ड मैक्सिमम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड। तो आपसे ये क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 है यानी सबसे लेस है, 2 रहता तो उसके बाद रहता, तो सबसे पहले हम लोग 1s2 में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, उसी ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है या अरेंज करना है, या बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 सबसे पहले आएगा क्योंकि सबसे लो एनर्जी, उसके बाद में आएगा वो सीक्वेंस को, देखिए उसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 1s को सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे में 2s, 2p, उसके बाद में 3s, 3p, 3d, क्योंकि 3 में n इज इक्वल टू 3 में तीनों होंगे, उसके बाद में 4 में 4s, 4p, 4d एंड 4f, 4 वाले क्वांटम नंबर में या 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये सारे s, p, d और f, ये चारों सब ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। 3 में सिर्फ s, p और d होगा और 2 में सिर्फ s और p होगा। अब 5 के लिए भी सिर्फ 5s, 5p, 5d, 5f और भी आगे होगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि f के ऊपर जाना नहीं है क्योंकि इतने ही रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद 6s, 6p, 6d और 6f, ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है, f के आगे नहीं जाना है। उसके बाद 7s, 7p, 7d और 7f। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका देखिए, बस इस तरीके से कट करना हो, बस इसी तरीके से कट करते जाना है, पैरेलल लाइन बनते चला जाएगा और वही ऑर्डर होगा हमारा फील करने का इलेक्ट्रॉन का। अब मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए, देखिए कितना सिंपल, याद रखना। सबसे पहले आएगा 1s, क्योंकि ये सबसे पहले है, 1s सबसे लो एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां फील होगा, उसके बाद आएगा 2s, उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s, ऑर्डर ध्यान से देखिए, एरो पीछे से लिख रहा हूं मैं, उसके बाद 3s से फिर 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद में 3d, उसके बाद में 4d, उसके बाद में 5s, उसके बाद में 4d, उसके बाद में 5p, उसके बाद में 6s, उसके बाद में 4f, 5d, उसके बाद में 6p, उसके बाद में 7s, उसके बाद में 5s, 5f, सॉरी 5f, उसके बाद में 6d, उसके बाद में 7p, उसके बाद में 6f, उसके बाद में 7d, उसके बाद में 7, लेकिन बस 7s तक ही रखना है हम लोग को, 7s कहाँ तक, 7s, 5d, 7p, बस यहीं तक रखते हैं, बस यहीं तक। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो s के पास में कैपेबिलिटी है कैपेसिटी 2 को, तो 1s2, 2s2, p के पास में 6 रहेगा, 3s, s के पास 2 होगा, p के पास में 6 होगा, s के पास में 2 होगा, 3, d के पास 10 हो सकता है, p के पास में 6 होगा, s के पास में 2, 10, 6, 2, f में 14 होगा मैक्सिमम। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक आएगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड। तो यहाँ पर 1s तो लो है, ठीक है, तो इसमें सबसे होगा पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले इसमें आएगा, लेकिन 2s2 है और 2p है दोनों में,
तो यहाँ पर दो तो दोनों में है, ये एन का नंबर तो दो है, यानी दोनों एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं। ये दोनों तो इक्वली, तो पहले एस टू में जाएगा कि पी में आएगा? तो पहले यहाँ पर एस टू में आएगा, बाद में पी में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर जब दोनों का एनर्जी लेवल सेम हो जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का नंबर, तो एन का नंबर अगर सेम हो जाता है किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए, जैसे 2s और 2p के लिए सेम हो गया है, तब हम लोग n प्लस एल का वैल्यू लेंगे। तो जिसका लो वैल्यू n प्लस एल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आए। तो यहाँ पर देखिए 2s2 यानी 2 ये n हो गया, और l की वैल्यू यहाँ पर s के लिए क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये 2 प्लस 0 क्या होगा? 2। और 6 के ये 2p के लिए क्या आएगा? 2 प्लस पी के लिए वैल्यू कितना? 1। तो यानी ये हो गया 3, यानी ये इससे बड़ा हो गया। तो इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा, लेटर ऑन। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट नहीं होगा, इसमें पहले होगा। होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, एनी इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन ए गिवेन ऑर्बिटल विल नॉट हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर सेम। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो या किसी भी एटम में प्रेजेंट हो, उस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू मतलब एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, ये सब का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। एन सेम हो जाए, एल भी सेम हो जाए, एम भी सेम हो जाए, लेकिन तब स्पिन सेम नहीं होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर स्पिन में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर एक शेल में, ये सेल में रखूँ, तो हो सकता है ये 4s2 है, तो यहाँ पर 4 तो सेम है, एन के नंबर सेम है, एल का नंबर सेम है, एम का भी नंबर सेम हो गया, लेकिन ये अगर 2 रहेगा तो ये अपोजिट ओरिएंटेशन में होगा, या तो सारा इक्वल नहीं होगा, और अगर सब सेम है तो सारा सेम नहीं होगा, अगर सब सेम है तो स्पिन तो एटलीस्ट अपोजिट होगा। यानी जब भी हम लोग फील करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट ओरिएंटेशन में ही फील करेंगे अगर दो फील कर रहे हैं तो। अब आ रहे हैं थर्ड वन, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन विल not pair in given orbital until all the subshell of given quantum number occupies at least one electron. अब इसको समझते हैं, ये क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर 1s2, 1s है एक orbital, और उसके बाद में नेक्स्ट है 2s, और उसके बाद में 2p, 2p में 3 होता है यहाँ पर ऑर्बिटल, s में एक एक रहेगा। तो अगर यहाँ पर सपोज दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक इसमें आएगा और दूसरा भी इसी में आएगा, क्योंकि 1s और 2s अलग अलग है, तो पहले 1s को पूरा का पूरा फिल करेगा। अगर यहाँ पर 3 है तो ये 1s में पूरा जाएगा और एक यहाँ पर बचा हुआ आएगा। अगर यहाँ पर ये 4 है तो ये 1s और यहाँ पर 2, और अब 2s में जाने के बाद में 2s में पूरा का पूरा इसी सबसेल में फुलफिल होगा। यहाँ पर 5 नहीं ले रहा हूँ मैं, डायरेक्टली 6 ले रहा हूँ। तो 6 अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पर कैसे फिल होगा? 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, अब बाकी 4 कहाँ फिल होंगे? 1, 5 और ये 6। ये दोनों यहीं पर फिल नहीं हो जाएगा, ये समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों जो हैं, यहाँ पर 6, ये जो 2 बचा, ये 2 कहाँ पर फिल होगा? एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, ना कि इस तरीके से भी हो सकता था दोनों यहीं पर आ जाए अपोजिट में, जैसे इसमें हुआ था, नहीं। ये पहले, क्योंकि सभी एक ही लेवल पर है और सभी को इक्वल चांस मिलेगा, तो P पे भी इक्वल चांसेस, क्यू ये P1 पे भी इक्वल है, P2 पे भी इक्वल है, P3 पे भी इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर सपोज यहाँ पर 4 मुझे फिल करना रहता तो कैसे करता? यहाँ पर पहले मैं कैसे फिल करता दिखा देता हूँ आपको। पहले
पहले एक मैं यहाँ फिल करता हूँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद इनफ हुआ तब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो होप्स कि ये समझा कि कैसे फिल करना है। तो इसको कहते हैं होन्स रूल। अब आ रहे हैं लास्ट वन, विच इज लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एस पी एंड टी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये समझना है कि एस का अगर मैं बात करूँ कि एजिमिथल क्वांटम नंबर, तो एजिमिथल क्वांटम नंबर यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो होता है इसका, यानी इसके नंबर सिर्फ क्या होंगे, सिंगल। तो सिंगल शेल होने की वजह से, सिंगल ऑर्बिटल होने की वजह से, जैसे हम लोग एस टू का सिंगल ऑर्बिटल लिखते हैं, तो इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। यानी यहाँ पर अगर सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ का जो यूनिफॉर्म जो होगा स्फेरिकल, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर किसका होगा, एस का। यहाँ पर सभी जगह इक्वल चांस है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए। होप सो ये क्लियर। अब आ रहे हैं पी शेप का, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू क्या है, वन। तो यहाँ पर इनका अगर माइनस प्लस वन, ज़ीरो और माइनस वन, यानी यहाँ पर तीन होगा, इसलिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये एक पी है, पी सबसेल, और इसको हम लोगों ने फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। यानी इनका जो शेप होता है पी का, वो कैसा होता है, डम्बेल शेप। डम्बेल शेप का मतलब है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड। और इन दोनों स्पेस को क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है फाइंडिंग होने की, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमेशा एंटी नोड पर फाइंडिंग होने के ज़्यादा चांस है। नोड पर कभी भी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का, इलेक्ट्रॉन का चांसेस प्रेजेंट होने का बहुत लेस है। तीन एक्सिस होता है आपको मालूम है, इस तरफ एक्स, इस तरफ वाई और इस तरफ जेड, ऐसे जेड। तो अगर इस एक्सिस पे है कोई, तो इसको हम लोग पी जेड बोलेंगे। यहाँ पर कोई प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग पी एक्स बोलेंगे। और इस एक्सिस पे कोई प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग पी वाई बोलेंगे। होप सो ये क्लियर। तो तीन एक्सिस में हो सकता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और इसका शेप याद रखना है, डम्बल शेप होता है। डी ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है दो, टू, तो माइनस प्लस टू, फिर प्लस वन, ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू, टोटल कितने होंगे, फाइव ऑर्बिटल, फाइव इन नंबर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक डी शेप है, डी ऑर्बिटल है, और डी सबसेल है, इसमें फाइव ऑर्बिटल, पाँच, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहला होगा डी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाला हम लोग लिख सकते हैं डी जेड स्क्वायर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स ऑर्डर है। आप फर्स्ट, मैंने यहाँ लिखा, आप फर्स्ट हो सकता है डी वाई जेड से स्टार्ट कर सकते हैं, या डी जेड स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये पांचों का इक्वल चांस है, सभी के इक्वल चांस हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।